Assalamualaikum, this is Hiba Bukhari, you're watching me on AHI. आज हमने बहुत सारी बातें की हैं जो कि दिल की भी है और काम की भी है, खास तौर पे झोंक सरकार की. So don't forget to watch. So Hiba. Yes, Amna. Welcome. Thank you so much. To AHI. And I'm delighted that you agreed and had time for the interview. Thank you so much. But I was so impressed, man. You drove. And मुझे पता चला you drive everywhere in the city. तो जो बंदा कराची शहर में आजकल drive कर ले, उसकी तो कोई nerves और steel होंगी जो है आपकी. Thank you. है ना? I will take that compliment. हाँ. But yes, I love driving. I love it. I love it. Oh, अच्छा, now I'm going to dig a little deeper now. ये आज जो है ना बड़ा psychotherapy वाला session है. Easy, easy. Why do you love driving? I think because of my abu. मतलब वो मुझे स्कूल से पिक करते थे तो मैं बहुत थकी हुई होती थी, लेकिन फिर भी वो मुझे अलग अलग जगह पे घुमाते हुए घर ले जाते थे. ऑलवेज द लॉन्ग रूट. ठीक है, टेलिंग मी कि देखो ये रोड यहाँ भी जाता है, ये रोड यहाँ भी जाता है. एंड देन हमारा एक रूटीन ऐसा था, बिकॉज मेरी अम्मी जो है वो टीचर हैं, तो हमारा रूटीन ऐसा था कि मैं स्कूल गई हूँ, वापस आए हैं, अम्मी स्कूल से वापस आई हैं, अबू काम से वापस आए हैं, शाम में हम बैठे खाना खाया एंड देन हम बाहर चले गए. ठीक है, तो हमारा रोजाना रात को हम बाहर जा रहे हैं, बी एट पार्क, बी एट गोइंग वेयरएवर, हैविंग डिनर, आराम से हमने बाहर घूमा, सब कुछ किया, कम बैक होम. वो एक टाइम होता था कि अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये शादी से पहले तक भी यही था कि एक टाइम होता था कि हम सब साथ बैठ के दूध पीते थे. ठीक है, वो एक मिल्क टाइम. दूध पीते थे? हाँ. किस टाइम पे? मतलब रात को. अच्छा, सोने से पहले. नाइस. ठीक है, कि मतलब सबके मिल्क क्लासेस आते थे और हम लोग पी रहे हैं. और उस टाइम पे मेरा भाई डिस्कस करता था उनके केसेस के बारे में, कि उनके केसेस, बिकॉज़ ही इज अ लॉयर, तो उनके फादर, तो उनके केसेस के बारे में वो डिस्कस करते थे. और मतलब अब्बू कर रहे हैं डिस्कस कि आज ये हुआ, इसका ये हुआ, तो वी नो अ लिटिल बिट अबाउट लॉ एंड वी नो अ लिटिल बिट अबाउट अम्मी के स्कूल में ये हुआ, और मैं बताती थी कि मेरे स्कूल में, कॉलेज में, या जहाँ पे भी ये हुआ. सो एवरीवन न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीवन. सो इट्स नाइस. इट्स नाइस. मुझे ऐसा लगता है कि ऑन सम लेवल एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी होती है. Yes. कि यू नो, आप किसी पर रिलाई नहीं कर रहे कि कोई आपको लेके जाए या लेके आए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लिबरेटिंग है ना कि आपको. अच्छा, जाए पता है, हाँ, लोग डाल देते हैं फिर रिस्पांसिबिलिटी कि एक बंदा. मतलब आई एक्चुअली ड्रोव माय कजिन टू हर शादी. मतलब जिस, एंड वो पूरी दुल्हन बनी हुई थी कराची में. Okay, पूरे सेट पे. एग्जैक्टली. बट यू आल्सो ड्रोव योरसेल्फ टू योर शादी. या ओके. यस. Okay, yes. So driving is definitely a joy for you. ऐसे तो नहीं बनना कर सकता driving. मैं मतलब it's also not just joy. I would say it's also that sort of thing कि when you're tired, you go back home. So it's, you know, it freshens me up somehow. Yeah, I like it. So Hiba, before we start and go on to the complicated questions, and there's so much to talk about with you, because मेरी आपकी पहली formal मुलाकात है. We I think bumped into each other once on the LSA red carpet. Yes. और उससे पहले हसन ने आपका इंटरव्यू किया. नहीं नहीं, एक वो भी था, और एक बार हम मिले थे रूपोश पे, वो वाला जो एक हुआ था. हाँ. या. ओह यस 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 यस. When you told me कि ये ट्रिक्स है for YouTube. The success story. Yeah, you were very kind enough. Yes. हाँ बिल्कुल. तो मैं, I want to get some things out of the way before we talk. Now हसन एंड आई आपके ड्रामे देखते रहते हैं. हम दीवानगी के टाइम से देख रहे हैं, उससे पहले वाले नहीं देखे. बट आपके हमेशा कैरेक्टर को अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर है. But you also get a lot of criticism for us for perhaps miscasting in certain dramas or wardrobe choices or mere hamnishin pe the accent and all that. But I see no like bitterness or no like, you're not holding any of that energy as negative. And you're so like approachable and pleasant to meet, and mujhe nahi lagta ki wo you're putting up an, it's very natural. So where is this coming from? Where is this great energy coming from? It's natural. It has to be natural. Well, it's natural. It's that's the way I am. How do you and process criticism? See, it's your opinion, right? Huh. And there are people, actually I think this energy is because of the people. I would give it to the people. As in your audience? The audience. Huh. And the your fans. Audience, yeah. My fans. And also the people, maybe not the fans, maybe who also criticize me somehow. Are we also mean well, you know? We don't mean to pull you down. No. Yeah. On a serious note. Huh. Seriously. You know, sometimes it's like, if it's like criticism, but usme bhi aapko kahi pata hota hai ki, achha, haan, ye wali cheez jo hai,
ये थोड़ी ज्यादा है या ये थोड़ी कम है, ठीक है, एंड देन यू लाइक कि हाँ ठीक है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ सही है, तो वो आपको एक और ज्यादा अच्छा करने के लिए डाल देता है. बट जो मुझे वन ऑन वन मिलती है, जो लोगों से फीडबैक मिलता है, लाइक आई टेल यू आई वॉज डूइंग दिस इंटरव्यू विद हसन फॉर अ टीवी शो, और उसमें मैं अभी जा रही थी और मैं अपना माइक लगा रही थी, तो एक दो तीन लोग जो उनके क्रू के थे वो आए, एंड दे लाइक आपका मेरे हमनशीन, आप पठान हो, आपका एक्सेंट, आप कितना अच्छा कर रही हो, आप कितना अच्छा कर रही हो, कितनी प्यारे हो. एंड देन मैं डरी हुई थी थोड़ा सा, बिकॉज एज ह्यूमन लिटिल यू नो आई एम ऑलवेज नर्वस. आज तक मुझे पता है किसी सेट पे मेरा पहला दिन है, मैं नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, मुझे नहीं पता क्या होगा, कैमरा ऑन होगा उसके बाद मुझे पता चलेगा, डायरेक्टर बताएगा फिर देखेंगे क्या करना है, मुझे उससे पहले नहीं पता. तो जिस वक्त ये हुआ तो मैं गई सेट पे, मैं बैठी और हसन ने मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा ठीक है फेयर एनफ, बट देयर आर सो मेनी पीपल दे लाइक इट, सो आई वाज लाइक या, एंड दे ऑल स्टार्टेड क्लैपिंग एंड इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी दैट आई फेल्ट सो गुड. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट कि अभी हम एक जगह पे वी वर वॉकिंग, मैं और आरिस वॉक कर रहे थे, और उसके अंदर एक खातून आई और पूरा नकाब वगैरह उन्होंने किया हुआ, और आके उन्होंने मेरे से पश्तो में बात करना शुरू कर दी, पूरी पश्तो में बात करिए 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 करिए. मैंने कहा अच्छा सही है, मैंने कहा जी 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 जी, मैं उर्दू में जवाब देती रही. थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि इसको नहीं आती, ठीक है, तो फिर उन्होंने उर्दू में बात करना शुरू की, उन्होंने आरिस को भी प्यार किया, और मतलब दे वर क्राइंग और व्हाटएवर, ये जाहिर सी बात है लाइक फैंस तो बहुत प्यार करते हैं, तो वो मुझे लगता है वो एनर्जी बहुत अच्छी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे. तो बड़ी अच्छी बात है कि आप फिल्टर कर पाते हो कि क्या चीज आपने अब्सॉर्ब करनी है और क्या चीज ब्लॉक करनी है. वो यू डू दैट वेरी इजीली, एंड आई फील दैट्स आल्सो फ्रॉम आपकी बातों से ऐसा लगता है यू कम फ्रॉम अ वेरी सिक्योर बैकग्राउंड, पेरेंट्स का, फैमिली का, वो इतना जरूरी होता है इंसान की एक पर्सनालिटी डेवलप करने में. और अब माशाल्लाह से यू आर हैप्पीली मैरिड और आपकी इतना अच्छा लगता है सारा, दैट्स also positive, but I've always gotten such a positive vibe from you. So mujhe ye bada shock tha ki hum baith ke baat karenge, you know, or I want to know that your choices and you know your work, and of course I know you're not from the industry, aur aapne supporting se shuru kiya, phir ekdam fame mil gayi, aur mere liye I think although Diwangi se pehle bhi you had gotten the awards and everything, nominations, but Diwangi I felt was a turning point in your career. Actually I wasn't serious before that. I started like that. उसके बाद उसी वक्त they said कि भाई तुम लीड रोल्स कर लो, and I was like मुझे फजूल में नहीं रोना. अब मुझे रीजन तो कहते नहीं नहीं रेटिंग आती है, लड़की प्यारी है, आंखें बड़ी हैं, रोएगी, प्यारा लगेगा. I was like आप रीजन दो and I will cry my heart out. Give me a reason. रो सकती हूँ. आप मुझे ये नहीं बोलो कि भाई वो पैदा हुई उसका बाप मर गया, ठीक है, थोड़ी बड़ी हुई उसकी माँ मर गई, उसकी शादी हुई शोहर मर गया, किसी और से प्यार हुआ वो मर गया, मतलब ये नहीं करो. ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया, आई डिडंट डू इट. सो आई थिंक मुझे स्ट्रॉन्ग वाला आपने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है या एक एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट वो वाली होती है जो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, जो कि अपनी बात जानती है, करना जानती है, इज बिकॉज के मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो कमज़ोर भी है तो उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए उसके कमज़ोर होने की. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. और मुझे नहीं लगता कि औरत कमजोर है, मुझे वाकई नहीं लगता कि औरत कमजोर है. मुझे लगता है कि उसके जो रिश्ते हैं, जैसे आपने कहा कि आप एक फैमिली से बिलोंग करती हैं जो आपको सिक्योर रखते हैं, तो मुझे लगता है जो उसके रिश्ते हैं या जो उसके आसपास के लोग हैं वो शायद उसको इनसिक्योर करते हैं, शायद उसको कमजोर करते हैं. बट औरत अपने आप में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाई है. और हिबा फॉर द लार्जर पार्ट आपने रोल्स भी सारे जो औरतों के किए हैं, दे आर स्ट्रांग वुमेन. मतलब नगीन भी एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रॉन्ग ही थी, वो हैप्पीली मैरिड हो रही होती उसके साथ. Exactly. है ना? Exactly. और इवन पहचान में कुकी शर्मीन इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन. इट वाज इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट पहचान, एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी टू, वेरी चैलेंजिंग. वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, क्योंकि जिस वक्त मैं कर रही थी पीपल वर लाइक कि नहीं करो. अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि नहीं करो, एट दिस टाइम यू प्लेइंग अ मदर ऑफ टू किड्स, नहीं. ठीक है, एंड देन आई फेल्ट, मैंने सोचा, बट मुझे लगा कि अच्छा एक साथ मैं एक प्ले कर रही हूँ विच इज 18 इयर्स, और एक तरफ मैं प्ले कर रही हूँ विच इज 36 इयर्स, सो विच इज फाइन, आई कैन डू दैट. नजर आ रही है, ठीक है. तो मतलब अगर मैं एक ही, अच्छा उसकी अच्छी चीज ये थी कि उसकी आई थिंक 20 एपिसोड थे, लेकिन वो फिर स्ट्रेच होते होते उसके वो बीच का उसका जो रीजन था, प्रोडक्शन हाउसेस यही करते हैं ना, प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा वो निकल गया. बट अदर देन दैट आई थिंक उसका जो मैसेज था वो बहुत स्ट्रांग था, एंड आई थिंक आई वॉज extremely excited for it. So was Syed Gibran. Absolutely. नहीं, आप दोनों ने बड़ा अच्छा था, एंड बड़ी अच्छी थीम थी कि भी एक औरत है
उसको वो नहीं मिल रहा है एक रिलेशनशिप से जो उसको चाहिए, बेशक दुनिया को परफेक्ट लगे लेकिन उसको नहीं मिल रहा, एंड शी हैज अ राइट टू टेक स्पेस एंड यू नो. आई आस्क्ड आरएस, आई वाज लाइक आरएस टेल मी वन फाइन डे यू फाइंड आउट आई कॉल यू बाय समवन एल्स नेम कैसा लगेगा तुम्हें, कहता है व्हाट, आई एम लाइक नो नो इट्स जस्ट दिस स्टोरी इट्स अ स्क्रिप्ट, कहता है नो, आई एम लाइक ओके हां ठीक है सही है ओके आई नो हाउ डज दैट फील. यस नहीं मत तो कभी बर्दाश्त ना करें, मर्द तो कभी बर्दाश्त ना करे. एंड यू नो व्हाट, बहुत सारी औरतें कह रही थी, अब सी इसमें मैं बताऊं, बहुत सारी औरतें कह रही थी कि तो क्या हो गया, ऐसा तो होता है, इसमें क्या हो गया, ये तो होता है. तो अब मैं उसको लेकर मैं नहीं कह सकती कि वो मैंने एम कर लिया. आई फेल्ट कि मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे लिए एक अलग चीज है. एंड आई वॉज शूटिंग फॉर 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम. आई वॉज डूइंग अ सराइकी कैरेक्टर and I was doing one Pashto character for Miriam Nasheen. And I was doing this Pehchan at the same time, and I also got married in between, and I went for my honeymoon for like 9 to 10 days. क्या हो गया, मुझे लगता है बहुत आसान नहीं है हमारी सोसाइटी में औरतों को ये कहना कि यार कॉम्प्रोमाइज कर लो क्या हो गया. और ये चीज हमारे ड्रामों में भी फीमेल कैरेक्टर्स पे रिफ्लेक्ट होती है. इवन समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल, मतलब घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी, तो यार क्या हो गया, घर तो है ना, मतलब है कि ठीक है ना, बच्चे हैं कर लो गुजारा, या थप्पड़ मार दिया कर लो, इट्स ओके, क्या हो गया यार, मतलब मुंह तो नहीं तोड़ा ना, या इवन मैरिटल रेप जैसी चीजें. अच्छा, इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी स्पेसिफिक क्लास को ये बात केटर करती है, ये कहीं पे भी है. मैंने हर क्लास में ये चीज देखी है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है. और आई थिंक ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स की तरफ से, ये एक सिक्योरिटी ये पेरेंट्स की तरफ से बहुत जरूरी है कि वो एक जो पुराने जमाने में एक बात होती थी कि अब मर के आना, इससे पहले मत आना, जा रहे हो बेटा वापस ना आना, वापस नहीं आना. तो मतलब आई नो कि मेरे अब्बा ने बेशक ये कहा होगा कि अच्छा सही है, आपका घर है, आप करें जो आप कर रही हैं, काम कर रही हैं करें, कोई बात नहीं, घर के काम कर रही हैं करें, आई डू व्हाटएवर आई फील लाइक. तो मैं कल आई थिंक आई वाज मेकिंग पराठाज एंड आलू नाश्ते में, तो मेरी सिस्टर इन लॉ आई, कहती है इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी. मैंने कहा कि मतलब बैलेंसिंग वर्क ना सारे से, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा दीदी कर लेते हैं, मैंने कहा बहुत सारा जो ना इसके ऊपर व्यूज आएंगे, मैंने कहा करते हैं, बट आई डिडंट ऑब्वियसली. सो द थिंग इज के एट द सेम टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बात कही हुई है कि वट एवर इट इज यू कैन कम बैक, यू कैन लेट अस नो, यू आर अ कॉल अवे. या एब्सोल्युटली. एंड ऑब्वियसली कोई भी औरत, मैं इससे पहले ही कह चुकी हूँ कि कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसका घर खराब हो, बिल्कुल, अप टिल अनलेस कि वो कोई बहुत ऐसी चीज होती है कि जो बर्दाश्त कर सके. एक औरतों में बर्दाश्त भी बहुत होती है, बहुत होती है, लाइक आई सेड दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी स्ट्रांग, बर्दाश्त भी बहुत होती है. एंड आई थिंक दैट्स अ क्वालिटी नॉट अ फ्लॉ, दैट्स अ क्वालिटी. कि औरतों में बहुत बर्दाश्त होती है, बहुत बहुत मतलब एक्सट्रीम तक ना सिचुएशन चली जाए उस वक्त तक वो कर लेती हैं बर्दाश्त को, है ना, बिल्कुल ऐसे है. एज अ वुमन आई नो आई कैन सी दैट यू आर अल्हम्दुलिल्लाह एंड यू नो यू आर काइंड काइंड ऑफ अ रोल मॉडल, यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग. एंड मैं ये भी जानना चाहूंगी कि व्हाट अट्रैक्टेड यू टू आरएस. आई मीन ऑब्वियसली ही हैड टू बी समबडी वेरी सिक्योर इन हिमसेल्फ टू बी इन सिंक विद अ वुमन लाइक यू हु इज सो स्ट्रांग, हु इज इन द ड्राइविंग सीट लिटरली, राइट? यस, आई थिंक दैट्स हिज बेस्ट क्वालिटी. Yeah. That he is that he's okay with you in the driving seat. He's, I think that I just wouldn't call him a supporter, but I think someone who cheers me up. Yeah. Someone who lets me celebrate my, be it victory or be it achievement. He lets me celebrate it. I think that's a huge quality because men, अगर वो थोड़े से insecure होते हैं, तो वो फिर यही करते हैं कि वो औरतें अपनी जो उनकी सक्सेस होती है उसको थोड़ा सा छुपा लेती हैं, उसको पीछे रखती हैं, बैक एंड पे रखते हैं. बिल्कुल. लेकिन आई थिंक मेन लाइक आरएस. आई लव इट. ओके, कितने साल हुए हैं माशाल्लाह से, हो गए साल हो गए, क्या साल हो गए, 1.5 साल हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह. सो एट टाइम्स यू लाइक 1.5 साल हो गया हमें साथ में. ओ तो यार इट्स नाइस, इट्स फन. तो आई थिंक दैट्स हिज because he is not insecure. He's secure. Eva, you're getting some very good, you've been getting some very good projects and you've been working with, you know, top finally acting. finally nahi nahi, ab to 2 saal se acche project hi mil rahe hain sare. I tell, see that's what I'm saying ki aapka hota hi hai ki aapka ek
कुछ कुछ एक्टर्स होते हैं जो आपके पास होते हैं कि आपने इन्हीं में से पिक एंड चूज करना होता है, ठीक है, और आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट आते हैं, ठीक है, तो उसमें से आप बेटर चूज कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट चूज दो स्पेसिफिक वंस कि वो वाली चाहिए, वो वाली चाहिए, जानना चाहूंगी कौन सी वाली चाहिए थी। नहीं ऐसे, अच्छा ऐसे बहुत सारी हुई है कि जो मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ देम, कभी ऐसे हुआ कि मेरी डेट्स मैनेज नहीं हुई, कभी ऐसे हुआ कि वो चली गई कहीं और, या उसी में से कोई एक कैरेक्टर था जैसे मतलब मुझे था कि ये वाला करना है, दे सेड नहीं ये वाला करना है, नहीं हुआ, सो आई वोंट नेम देम। तो लेकिन मतलब ये होता था कि उधर नहीं आ रही वो चीज, उस तरह से नहीं आ रही है, यू नॉट गेटिंग सच ऑप्शंस इन अ वे। हां ये समझना चाहिए हमें भी, ये सबको, कि यू नो लिमिटेड है, ऑप्शंस भी लिमिटेड है, ऐसे नहीं है कि इतना ज्यादा काम हो रहा है। प्लस आपको पता नहीं चलता कि कोई चीज आने से पहले कहीं चली जाती है, ठीक है, और वो फिर आपको होता है कि यार आई वांटेड टू डू दिस, हां हां ठीक है, हां मतलब तो वो जैसे इसके अंदर अभी हम ये झोंक सरकार कर रहे हैं, तो इसके अंदर हाशिम मदीन साहब जो कि राइटर हैं, he said he took my name, he was like that I want Hiba to play this, how nice, how that's yeah, so, so encouraging, like, yeah, okay, I wrote it for her, so I was like अच्छा, मैंने कहा that's एक और accent, this yes it's difficult, right, it's difficult, it's लेकिन fun, ये जोक सरकार पे भी आएंगे, it's fun, मैं उधर से connect कर रही हूँ कि personal life में औरतें की बर्दाश्त औरतों की बहुत होती है, और उनको compromise भी करना आता है, उनको they know how to make things work, और जब चीजें and मतलब उस पे extreme भी चल जाएं तब से बस It, does that apply to the workplace as well? Yes. Female actors jo hain aaj hamari industry mein, you, I'm talking about you especially, apne kitna compromise karna padta hai? How easy is it to be a female actor in the industry in Pakistan today? See, it's not about today. It's not just about that, but... Asaan hai, mushkil hai, kaisa depends. Hai? Depends. I think har kisi ki journey alag hoti hai. Aapki? तो अच्छा लगता है कभी कभी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको बहुत सब्र का मुजाहिरा करना पड़ता है कि आप कहते हैं कि बस ये हो जाए, कि बस ये खत्म हो जाए, अब बस इसको हम कर लें जैसे भी हो रहा है हो जाए, बट कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आप यू फील कि आह दिस सो फन, आई वांट टू डू दिस मोर, लेट्स डू इट, मजा आ रहा है। कौन सा मेरा हमनशीन वाज अमेजिंग, है ना, लगता भी था वैसे बहुत अच्छा था, प्लस हम वहां पे जाके जिस वक्त हमने स्टे किया, तो अच्छा इसमें बहुत मजेदार बात है कि पहले हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले शॉर्ट्स किए और उसके बाद हम गए उधर सवात शूट करने के लिए, जिस वक्त ऑन एयर हुआ तो पहले सवात वाले सीन आए, तो एवरीवन वाज लाइक कि इसका एक्सेंट कैसा है, इसका एक्सेंट कैसा है, ये तो कितना फेक है, और जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले सीन्स आए, सबने कहा अब ये सही बोल रही है, आई वाज लाइक डूड रियली, मैं तो वही बोल रही थी, समझने में प्रॉब्लम थी, द पॉइंट वाज के क्योंकि वो पहले शूट हुए थे, बट यू डोंट नो दिस एज एन ऑडियंस, आपने देख लिया, लाइक ओके व्हाटएवर, सो इट मेक्स मी लाफ एट टाइम्स, एंड लाइक अच्छा यार कोई बात नहीं, यू टेक इट इन योर स्ट्राइड के, हां सही है, एंड लाइक हां ठीक है सही आई नो। तो हम जब वहां पे थे, तो जहां हम शूट कर रहे थे, वो जो पूरा मेरा घर दिखाया वहीं पे हम स्टे कर रहे थे, मेरे लिए सबसे अच्छा पार्ट ये था कि मेरी अम्मी मेरे साथ थी, तो मतलब बाकी सब जो है वो फील कर रहे थे कि हमें घर जाना है, और सब थोड़े दिन बाद पागल हो गए थे, और बहुत ऐसे आते थे उठ के, एंड आई वाज लाइक हे व्हाट्स अप क्या हो रहा है, तो दे लाइक नहीं कुछ नहीं, नाश्ता नहीं, मैंने कहा हाँ हाँ नाश्ता नाश्ता, फिर मैं एक सीन करती थी, फिर मैं जाती थी, मैं कहती थी अम्मी एक सील दे, एंड आई वाज लाइक अच्छा हाँ सही है, खाना कहाँ है, खाना मंगवा लें, फिर मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, एंड देन यू नो इट वाज, तो वो अम्मा वाज देयर, तो मुझे बहुत कंफर्ट जोन था, मुझे ऐसे लग रहा था आई एम एट होम, होम अम्मा इज होम, सो इट्स लाइक आई एम होम, तो इट वाज कंफर्टेबल इट वाज कंफर्टेबल, इट वाज फन, द टीम वाज अमेजिंग, द डायरेक्टर इज अमेजिंग, मतलब वो अचानक से जब हॉप करके आते थे थोड़ा सा ही डाल दो, मैं देखती थी कि नहीं मेरा दिमाग इधर उधर हो जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ सीन, एंड ही इज लाइक नहीं बट मैं ऐसे चाह रहा हूँ, एंड लाइक ओके, और फिर मजा आता था कि उसी टाइम पे आपका एक क्रिएटिव साइड एक्टिव होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बोरियत होती है कि मैं एक ही चीज, मुझे पता है कि अब आपने मुझे कहा कि यूं देखो और ये कर लो, हाँ ठीक है मुझे पता है मैं कर दूंगी, आप मुझे एज अ डायरेक्टर आप मुझे कहेंगे मैं आपको करके दे दूंगी, होता है डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर सी बात है वो डायरेक्टर का विजन है, जो ऑडियंस देख रही है वो मुझे कहेगा मैं कर दूंगी, बट अगर वो मुझे डायरेक्टर वो स्पेस देगा कि हाँ करो, इट्स डिफरेंट, फिर यू कैन फ्लाई विद इट, है ना, एब्सोल्युटली, सो एंड अमेजिंग टीम, अमेजिंग प्रोडक्शन हाउस, एवरीथिंग वाज सो गुड, everything was so good. I'm glad do you choose your, plus I was getting married, I was saying I remember in between scenes, so hum bahut serious scenes kar rahe hai ki tarak jaye
नहीं नहीं कोरमा नहीं रखना, कोरमा कोई नहीं खाएगा, एक मिनट मेरी शादी हो रही है, मैं यहाँ मजदूरों की तरह काम करी, मुझे उपटन लगवाना चाहिए, एक मिनट. एंड दे वर सो नाइस कि सब यूं करके हंस रहे होते थे कि अच्छा सही है ठीक है कि हाँ हाँ कर लो कोई बात नहीं. तो एक बार हम यूनिवर्सिटी का सीन कर रहे थे और आर एस वीडियो कॉल, देखो मैं ये ले रहा हूँ, ये कार्ड सही लग रहा है, तो पीछे से अली फैजान ने कहते हाँ आर एस हम सब आपको देख रहे हैं और सब सुन रहे हैं, बताए क्या कह रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है. सो या लेकिन उसमें एक अपील अट्रैक्शन भी है ऐसे खान के कैरेक्टर में. सो वाज शी इन लव विद हिम और वाज शी नॉट इन लव विद हिम? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. शी वाज नॉट इन लव विद हिम, बट एक उनसियत, एक जो व्हाट यू से, मतलब किसी के साथ भी होती है ना, किसी के साथ रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, तो यू वुड नेवर वांट समथिंग बैड फॉर दैट पर्सन. शी वाज इन लव विद डॉक्टर हादी. शी वाज इन लव विद डॉक्टर हादी, कि मतलब वो, और वो ऐसा वाला था कि अच्छा जाने भी दो तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा केयरिंग होती है दरकजई के लिए, इसको पता था कि थोड़ा बच्चा सा है, थोड़ा ऐसे ही सा है, एंड ही डजंट नो, और घर वालों की बात, और अगर मैं, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, कि अगर मैंने जाके अपना प्यार चूज कर लिया विच इज डॉक्टर हादी, तो नेचुरली पीछे जो लड़कियां हैं वो नहीं आ सकेंगी, तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं ये करूँ. वो तो समझ आ गई थी. तो मतलब वो शी गिव्स अप, और मतलब बट उस तरफ दरकसई का प्यार होता है, होता है, तो मतलब अगेन वो रिग्रेट करती है कि मैंने इसको क्यों कहा, या मेरी बद्दुआएं थी, या मैंने शायद, मुझे इसके साथ अच्छा होना चाहिए था. ये बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था, क्योंकि आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव नजर आता है. तो हमारे ड्रामा में बहुत कम उसकी एक्सप्लोरेशन होती है. एक किस्म के दिखाते हैं कि या तो है प्यार या नहीं है, या बहन भाई है या माँ और बेटा बेटी है, यू नो. इसके अलावा एक मर्द और औरत के जो प्यार की एक शेड्स हैं, वो हम नहीं देखते बिल्कुल भी. हम ग्रे कैरेक्टर्स भी नहीं दिखाते. In Fitur, I had this beautiful grey character, but it was then converted into black one. But it was great. Yeah, Fitur was. I think it was. It started out so Pehchan well. Pehchan was grey. तो खैर आप we love the character. क्योंकि बहुत time तक नहीं पता चला था कि चाह क्या रहे हो. अच्छा नहीं पहचान की सिर्फ लोगों को ये था शक कि यार कोई भी responsible माँ बच्चे छोड़ के नहीं आएगी. मगर फिर वो बच्चे बड़े थे. ओरिजिनली लिखे हुए वो बड़े बच्चे थे, तो वो क्योंकि फिर वो पूरी कास्टिंग के हिसाब से वो, क्योंकि अब वो उतने बच्चे वो मेरे दिखाना, वो थोड़ा सा, और शर्मिल को भी वो इन द 40s 50s तो नहीं दिखाना चाह रही थी, बच्चे 20s में होते हैं, मतलब वो इट वाज सपोज्ड टू बी दैट वे. तो गोइंग बैक टू फितूर, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज़ वो मुझे याद है फितूर का जो कैरेक्टर था आपका, मैं नाम भी भूल गई हूँ, क्या नाम? दिलनशीन. ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल सकती हूँ दिलनशीन को, कैसे भूल सकते हैं. दिलनशीन जो थी वो समवेयर इन द मिडल ऑफ द ड्रामा एक बहुत ही ऐसी कैरेक्टर थी जिसकी समझ नहीं आती थी. मतलब है कि वो पिस रही थी, रो रही थी, मियां के साथ भी है, पिछला प्यार भी है, कुछ कर भी नहीं पा रही. ये अगर मुझे तो कहता ना कि ये ड्रामा हिबा करेगी कि नहीं करेगी, तो मैं कहूंगी कि ये हिबा नहीं करेगी ये रोल कभी भी, बिकॉज मेरा हिबा से एसोसिएशन है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करती है. फितूर क्यों किया? अच्छा, उसका बहुत मजेदार सा ग्रे कैरेक्टर था, बहुत मजे का. जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि अच्छा ये मैं करूँगी, एंड इट्स फन, आई वुड लाइक टू डू इट, आई डू इट डिफरेंटली, सही है. बट अगेन जिस वक्त आप सेट पे जाते हैं, तो सेट पे, ऑन सेट आपके पास डायरेक्टर होता है जो कि आपको बताता है, आपके पास स्क्रिप्ट आई हुई है, आपने दिमाग में कुछ सोचा हुआ है, प्रोडक्शन हाउस ने आपको बना के भेज दिया है, बट आगे डायरेक्टर का काम है कि वो आपको किस तरीके से लेकर चलता है. सो आई रिमेम्बर एक बार, दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, कि हम एक सीन करे थे, मेरे और फैसल भाई का सीन था, और फैसल कुरैशी के साथ हम लाइन्स करे, और वो ऐसा सीन था कि मैं उनको जाके लड़ रही हूँ उनसे कि तुमने ये क्यों किया, तुम मेमल के पास गए, तुमने ये किया, ये किया, ये किया. And I know that Dilnashin is right. क्योंकि अभी Dilnashin Hamza के पास, मतलब she's not with Hamza, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा ये था कि अच्छा ये ऐसे ही रहेगा. Somewhere in between, जब मैं उससे लड़ रही हूँ कि तुम मेहमल के पास जा रहे हो, तुम चीट कर रहे हो और यूं कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कहता नहीं तुम हमजा से मिल रही हो, और ये कहती है लेकिन आई एम नॉट विद हमजा, इसने तो उसके कमरे में जाते हुए देखा है मेहमल के, राइट, तो मतलब इसको तो नहीं पता कि आगे क्या हुआ. इसकी तो अपनी इमेजिनेशन है कि वो जा भी रही है, वो स्माइल भी करके देख रही है, यूं कर रही है, वो गिर भी रही है, सब कुछ हो रहा है, तो बाकी सब तो कर रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ. अब इसके दिमाग में ये क्लियर है, दिस इज दैट ग्रे शेड, ठीक है. तो हमारे जो डायरेक्टर थे सिराज सिद्दीकी, सिराज कि जब हो गया, ही डिडंट से कट, ठीक है, तो
he said bichara faisal and I because main itni scene mein thi ki matlab main utna us point pe lad rahi thi I turned around and I was like what do you mean bichara faisal kehte nahi uski biwi usko tang kar rahi hai maine kaha ek minute maine kaha this is not real life one this is not faisal this is heather ha this is dilnashin two ha then कैसे वो उसके साथ गलत कर रही है मैंने कहा वो नहीं तो हमजा से मिले मैंने कहा वो हमजा से उसने हमजा को कहा कि हाथ मत लगाओ मैं अपने शौहर की हूँ जो भी है जैसे भी है वो जैसा भी समझे आई नो कि भाई मैं अपने शौहर के साथ लॉयल हूँ ठीक है सो डोंट डू दिस नहीं लेकिन मैंने कहा सर यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज इफ यू थिंक कैरेक्टर जो है इफ यू डोंट लाइक अ कैरेक्टर तो यू वोंट बी portraying it that way yes theek hai to he said nahi nahi lekin ye to black hai maine kaha sir black hai grey hai kehte nahi nahi ye black hai maine kaha acha to main ek point pe aake maine wo chhod diya tha maine kaha ki acha sahi hai to matlab agar wo mujhe kuch karke dikhate the ki ye karna hai main kehti thi ha karna hai again mujhe ek director batayega ki aap ye aise karenge jaise abhi hum recently kiske sath rabia ke sath interview tha to unhone mujhe pucha ki aapka wardrobe the one which is on here tiresh ke naam ha so I was like jab mere paas aaya maine kaha अमीर कैरेक्टर है आई विल वेयर समथिंग एल्स आई विल डू दिस आई विल गेट माय हेयर चॉप्ड आई विल डू समथिंग एल्स मेकअप थोड़ा सा ये करूंगी शुरू में बाद में चेंज कर लेंगे हाउ एवर क्योंकि उसकी जर्नी है लेकिन थोड़ा सा कुछ करते हैं उसको तो हमारे जो प्रोडक्शन हाउस था आई ड्रीम्स और जो हमारे डायरेक्टर थे अमित भट्टी उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत स्टीरियोटाइप है ठीक है कि आपने अमीर बनाना है तो आप उसको वेस्टर्न दिखाएंगे आपने अमीर बनाना है तो आप उसके बाल छोटे कर देंगे आपने उसको नेगेटिव दिखाना है तो ये जो है ऐसे करके मेकअप करती है हम इसको दिखाएंगे ये वो एक नॉर्मल सी लड़की है जो अपने बाप के जमाने में रह रही है अपने बाप के हिसाब से रह रही है ओके ठीक है ओके मेड सेंस इन माय हेड आई थॉट हाँ ठीक है सही है ओके तो हमने कहा कि हम इसको ये दिखाएंगे वो अपने बाप के जमाने में रह रही है बाप के हिसाब से रह रही है सब कुछ बाप के हिसाब से कर रही है जस्ट उसको शादी करनी है तुम्हें से ओके यू डोंट मेक नो सेंस दे सेड इट मेड नो सेंस दे सेड इट हां आई वाज लाइक ओके फेयर इनफ तो अब सी स्टोरी अकेला एक बंदा नहीं लेकर जा रहा था स्टोरी आपके पास लिख के कुछ आती है स्टोरी आपके पास लिख के कुछ आती है और जब आप उसको टीवी पे देखते हैं वो बिल्कुल कुछ और होती है बिल्कुल ऐसे ही है तो उसमें क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आ रहे होते हैं ठीक है तो वो हर किसी की क्रिएटिविटी मिलके कुछ अलग सा बनता है समटाइम्स इट वर्क्स समटाइम्स इट आपकी बात बिल्कुल सही है कि अल्टीमेटली विजन जो है वो डायरेक्टर की है डायरेक्टर का विजन है और वो आगे लेके चलना है ऐसे ही मैं पूछना भी चाह रही थी कि जब एक एक्टर काम कर रहा है कमिटेड है कॉन्स्टेंटली ऑन सेट है women go through so much in their lives yes, health wise yes, you know yes, ऐसे I'm sure मर्द भी होते हैं बट औरतों के साथ तो एक मंथली प्रॉब्लम जुड़ी होती है तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार यू नो एज राइटर्स और जर्नलिस्ट अगर हमारा इफ यू ऑन आवर साइकिल एंड इट्स अ बैड टाइम यू कैन जस्ट सिट बैक टू डेज के भाई बस मुझे नहीं करना बट फॉर यू ऐसा नहीं होता है यू आर शूटिंग इन सवात तो इट वाज कंफर्टेबल बिकॉज वहीं शूट कर रहे थे हम एक ही हमारी जगह थी जहाँ पे हम शूट कर रहे थे लेकिन अभी हम जब झोंक सरकार करे थे एक तो बहावलपुर में बहुत गर्मी थी बहुत गर्मी थी ठीक है यार गर्मी में तो शूट्स होने नहीं चाहिए दिस इज इंटरेस्टिंग गर्मियों में होता है कि बहुत गर्मी में शूट नहीं होने चाहिए और सर्दियों में देख रहे थे कि बेड से नहीं उठना तो शूट नहीं होने चाहिए तो इट्स लाइक यू कैन नॉट से तो बट यस तो गर्मी बहुत थी प्लस उसमें एक बहुत लेंदी सा सीक्वेंस था जो कि हमारा पूरा सहरा में और भागना और सारी चीजें बहुत बहुत हेक्टिक और बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर अच्छा मेरी कोशिश ये थी कि मेरे वो साइकिल पे फॉल ना करे ठीक है लेकिन वो एग्जैक्ट उसी दिन फॉल किया आउटडोर शूट था आउटडोर तो क्योंकि मैं अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट द रीजन आई सेलेक्टेड दिस वन वाज के इसमें आउटडोर जाए मुझे बहुत मजा आता है आउटडोर करने में मुझे अच्छा लगता है आप कमरे में बैठे हैं सही है लेकिन जो आउटडोर होता है उसमें यू हैव सो मच टू डू दीवानगी लाइक आई वॉज रनिंग कभी रेलवे स्टेशन पे कभी बस स्टेशन पे इट वॉज सो मच फन सेम विद मेरे हम मशीन यस यस सो आई ट्राई कि ऐसा कुछ हो कि जिसके अंदर यू नो कि आई कैन हैव फन सो अब उसके अंदर लेकिन उसमें होता ये था कि अब आप कहीं पे भी हैं तो अब आपको वॉशरूम के लिए भी बहुत दूर जाना है और ऐसा नहीं है कि बड़े आपके लिए रिसोर्सेज हों या वैनिटी वैन खड़े मतलब अच्छा इसमें सी आई टेल यू अगर वैनिटी है भी तो जाहिर सी बात है वो सहरा तक नहीं आ सकती उसके लिए आपको वो पूरा क्रॉस करके चल के जाना है वहां तक और उसके बाद होगा वो जो भी होगा उससे पहले कुछ नहीं है एंड देन लाइट जा रही है
सनसेट हमें यही चाहिए. सन का ये मार के रन रन रन, व्हाई आरंट यू रनिंग, भाग क्या भाग क्या भाग क्या, मैं कहा भाग क्या रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझे पहाड़ों पे चलना आता है. अच्छा, देयर इज दिस टेक्निक कि पहाड़ों पे कैसे चलना है, पहाड़ों से कैसे उतरना है. देयर इज दिस टेक्निक मैंने अभी फाइंड आउट किया, मैंने इससे पहले कभी मैंने सहराओं में कि रेत पे कैसे एग्जैक्टली चलना है, कैसे उतरना है. तो वो जब मैं चलूं, मेरे पूरे पैर अंदर है एक ढूंढ, और बाकी सबने पहने थे पूरे पूरे बूट्स. लड़कों ने, जो पूरी टीम थी, उन्होंने बूट्स पहने, क्योंकि वो पुलिस वाले टाइप्स थे या फिर जो भी थे. ठीक है, और मतलब दे वर ऑल कवर्ड एंड आई वाज वेयरिंग दिस स्टूपिड स्लिपर्स. ओके, मतलब ऐसे वाले थे कि जो मैंने घर में पहन रही है कमरे में, और मैंने वो पहन के निकलने. राइट, जो चप्पल है नहीं है डजंट मैटर, लेकिन चलो. Plus those pimples popping out like Mark Rita's. गर्मी से वो भी होता है, और on your when you're on your cycle ये तो होता है, acne भी हो जाती है, pimples. गर्मी है, धूप है, मतलब वो एक shot लगा है मेरा जिसके अंदर मैं यूं करके कह रही हूँ कि मैं जान ले भी सकती हूँ, जान दे भी सकती हूँ. उस वक्त मुझे याद है कि धूप, sun was like hair. और मैं इनको कह रही थी कि प्लीज इसके ऊपर कुछ रख दे, तो they're like नहीं बहुत अच्छी लाइट आ रही है. I'm like मेरी आंखें नहीं खुल रही. So they're like नहीं लाइट बहुत अच्छी आ रही है. I'm like okay. That's like ले भी सकती हो. यूजली अच्छा हो जाता है कि पीपल से केमिस्ट्री अच्छी डेवलप हो जाती है. इनके साथ भी एग्जैक्टली ऐसे था कि जब हम कर रहे थे और पहला शॉट हुआ, तो हमारा दिस एडी इज दानियल एंड ही केम, ही सेड आप लोगों ने साथ काम किया हुआ है. मैंने कहा नो. दे लाइक आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं. मैंने कहा नो. आप लोग पहले मिले हैं. मैंने कहा नहीं दानियल, क्या है? कहता है कैसे किया ये? Felt like you guys are in love, और इतनी अच्छी केमिस्ट्री है. मैंने कहा ओके, सो दैट्स व्हाट एक्टिंग इज. दैट्स व्हाट एक्टिंग इज. मतलब मुझे एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि फिजिकल होने से ज्यादा और उस सारी चीजों से ज्यादा एक्टिंग एक्चुअली यही है कि आप वो वाइब जो है वो और आप क्रिएट कर दें. तो आपका कैरेक्टर यहाँ भी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है. सिर्फ ट्रेलर से ही मैंने ये अंदाजा लगाया कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. टीचर उस्तानी इन अ गांव इन बहावलपुर या रेगिस्तान से कहीं लगती है. हाँ, इलाका है. मतलब हमने उसको जोक सरकार ही रखा है. एक्चुअली इट वाज जोक सियाल. जोक मींस गांव. एंड सियाल वाज द नेम ऑफ गांव. लेकिन क्योंकि मतलब सरकार का गांव. इट्स मोर लाइक दैट. तो गांव में बट प्रोग्रेसिव कैरेक्टर लग रहा है क्या? व्हाट इज देयर टू लुक फॉरवर्ड टू? पेयरिंग लुक फॉरवर्ड करें, रोमांस लुक फॉरवर्ड करें, आउटडोर एक्शन, क्या सब सब? मतलब इस प्रोजेक्ट को आपने आपको क्या अपील किया अपने कैरेक्टर के बारे में? अच्छा, इस प्रोजेक्ट को हाँ करने की वजह ये कि सैफी भाई डायरेक्टर, ठीक है, सैफी हसन, इससे पहले 2-3 चीजें हम साथ करना चाह रहे थे टू व्हाटएवर रीजंस हम नहीं कर सके. उसके बाद आई रियली लाइक द नेम सस्सी. इट्स नॉट सस्सी पुन्नूमाला सस्सी, बट आई रियली लाइक द नेम. इट्स वेरी देसी, अच्छा लगता है. बिल्कुल बिल्कुल, देसी मजे का लगता है. देसी मजे का. तो वो राइटर हाशिम नदीम, एंड मतलब why not? अब तो आजकल तो भाई हम established writers को इतना appreciate कर रहे हैं ना, because ऐसा कुछ लिखा जा रहा है जिसकी समझ नहीं आ रही, सर पे नहीं बन रहा. नहीं, तो हाशिम नदीम type जो writers होते हैं ना, उनको तो बहुत appreciate करना चाहिए. अच्छा, इसमें कहीं मैं थोड़ा सटल कर रही थी, तो सेफी पे से मुझे बड़ा चाहिए, मुझे ग्रैंड चाहिए, थोड़ा ओवर करो, थोड़ा ज्यादा करो. मैंने कहा प्लीज नहीं. कहते नहीं नहीं करो, थिएट्रिकल करो, डू इट. ठीक है, वो मतलब वो जज्बातियों की सीट छोड़ के आ जाते थे. मुझे दिल खराश चीखें चाहिए. आई वाज लाइक ओके, सही है. फिर उस लाइक मतलब हिबा मुश्किल लग रहा है मुझे ये पूरा शूट भी और ये आउटडोर और ये. मुझे लगा कि बहुत आसानी से हो गया, मजे का था. हाँ, मुझे लगा कि मैंने काम ही नहीं किया. मतलब मुझे मैंने हमारे एडी हसन भाई, मैंने कहा हसन भाई मुझे लगता है मेरा काम हुआ है. हाँ. So he's like, इतना तो काम किया. मैंने कहा अच्छा, वो जो हमने वो किया था वो वाला वापस करें फिर से वाला? कहते नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा हुआ. मैंने कहा नहीं, आई थिंक वो ये थोड़ा. कहते नहीं. मैंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा अगर ये कर लेना तो ये अच्छा हो जाएगा. He's like बहुत अच्छा. लाइक ओके ठीक. अच्छा, एक बात थोड़ी क्रिटिकल होने वाली हूँ मैं. जोक सरकार तो ट्रेलर देख के समझ आता है व्हाई यू विल डू इट, बिकॉज़ इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर,
बड़ा ही एक इंटेंस रोल लग रहा है, इंटेंस ड्रामा लग रहा है, ग्रेट राइटर, ग्रेट प्रोडक्शन हाउस, ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट को एक्टर, आई मीन सब कुछ, पूरा सेट यूनिट जो है वो जबरदस्त लग रहा है. एंड आई एम वेरी सैड आसिफ समीर इज आल्सो इन इट. देयर यू गो. तेरे इश्क के नाम जो है उसको करने के क्या, बिकॉज वो हमने देखी दो तीन एपिसोड्स, मगर वो लग ही नहीं रहा कि ये वो कैरेक्टर है जिसको हिबा बुखारी क्यों करेगी इस कैरेक्टर को, मतलब उस कैरेक्टर की समझ नहीं आई. ओके, सी आई टेल यू, क्योंकि ड्रामास हैं और ड्रामास बन रहे हैं, हर तरीके के ड्रामास बन रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती हैं. सो आई हैव रियली नाइस relations with the production house too. Theek hai. I Dreams is very nice to me. They're very kind. And they offered me this script and they were like, because Ahmed Bhatti was doing Tere Ishq Ke Naam after Kaisi Teri Khudgarzi. And Sarera abhi unhone kiya tha beech mein. Sarera wo iske beech mein hi liya tha. Iske beech mein hi kiya tha unhone. Theek hai. To matlab mega director. Yeah, bilkul. Sahi hai. And it was their mega project. Haan. Theek hai. So I thought ki acha sahi hai. Aur trailers ke bhi bahut mazay ka kata hua tha. बहुत अच्छा हुआ था. एंड यू नो वी शॉट दैट इन जस्ट ना. हां वो बहुत मजे का था, बहुत अच्छा था. हां सो यस, प्लस मुझे लगा कि कहीं कोई ना कोई चीज कुछ कनेक्ट कर जाएगी. सो इट्स एक्सपेरिमेंटिंग. इट्स लाइक अच्छा सही है कि इफ एवरीवन हैज दिस बिलीव इन इट, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा प्रोडक्शन हाउस, एंड दे आर सेइंग कि अच्छी राइटर महा मलिक इज लाइक नोन फॉर हर स्क्रिप्ट्स एंड प्लेस. हां सो इट वाज लाइक हां सही, लेट्स डू इट, व्हाई नॉट. हो गया. अब वो वाले एक्टर हो जो कहते हो कि हर वक्त ऑन एयर मेरा कोई एक प्रोजेक्ट तो हो. नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अगर एक तो मेरा हर वक्त ऑन एयर एक प्रोजेक्ट ना हो, वन, दूसरा मेरा दो प्रोजेक्ट भी एक साथ ऑन एयर ना हो. बिल्कुल होता ऐसे ही है कि दो ही होते हैं साथ मेरा साथ. अभी हो रहा है और मुझे इतना पहचान और मेरे हमनिशिन भी साथ साथ ही चल रहा था. अभी भी झोकसर कार मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हर चैनल पे, आप चैनल स्विच करें वही बंदा आ रहा है बार बार. मतलब आई हैव बीन एन ऑडियंस ना, तो मुझे पता है कि वो बचपन में होता था कि यार ये यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो वो आई डोंट वांट टू बी दैट. बट होता ही है कि आप जैसे मैंने फॉरेन पहचान के बाद आई स्टार्टेड डूइंग दिस. हाँ मैंने काबिल किया था, उसके बाद फिर मैंने ये शुरू कर लिया था. तो लेकिन ये अभी अब जाके ऑन एयर हुआ है. ठीक है, तो वो आपके ऊपर नहीं होता, वो प्रोडक्शन हाउस के ऊपर है. वो चैनल डिसाइड करता है कि कब ऑन एयर करना है, किस दिन ऑन एयर करना है. तो बस, और अभी मतलब मैंने आई थिंक 2 महीने पहले झोंक सरकार साइन किया, महीने में हमने शूट किया है और मैं 1-2 दिन रहते हैं, देन आई बी डन. और वो उन्होंने अभी ऑन एयर कर दिया. तो अब जब 6 का आया, आई वाज लाइक नहीं नहीं ये इतनी जल्दी कैसे, कुछ रहता है, टेल देम कि फिर से करना है. तो वो ये मैंने कभी नहीं सुना क्योंकि एक्टर क्या है, मुझे और करना है काम इस प्रोजेक्ट के लिए और कराएं मेरे से, मतलब मजा आ रहा है. नो आई डू इट्स अ चैलेंजिंग माय जॉब. हां नहीं नहीं, वो तो आई कैन सी, आई लव इट. आई एम योर काइंड ऑफ एनर्जी भाई, ओनली कम्स व्हेन यू लव द जॉब, ऐसे नहीं आ जाती. माय मस इज दिस. हां माय मस इज, मैं जैसे कि तुम जो करती हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं पहले दिन भाग के आ जाती. कहती है नहीं, तो शी इज लाइक एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. नहीं नहीं, ये तो रीजन नजर आ रहा है, इट कीप्स मी अलाइव, ये नजर आ रहा है. Is it a profession, Hiba, that you would recommend young girls to take up? Why not? Acting? If they want industry to, kaisi hai? Log kehte hain ji, women don't. I know everybody says ke, maine suna hai, humare sath kabhi nahi hua, but suna aapne bhi hai, right? Ki people, women don't feel safe. I tell you. I'm so sorry for this, but kahan hai safe? No, sahi hai, absolutely. Koi kahin bhi safe nahi hai. Agar, again, this is very serious, but अगर मैं कहूँ कि मेरी बच्ची है जो कि घर में है और मैं शायद बाहर हूँ, तो वो घर में भी सेफ नहीं है. yeah. तो इसके लिए आपको एक, यू नीड टू कीप दैट आई. अगर आप किसी की बच्ची है, कोई जा रही है, कुछ कर रही है, तो वो आपको एक, आपको देखना तो पड़ेगा थोड़ा सा पीछे. मुझे याद है मेरा पहला दिन था आज काउंसिल में, क्योंकि मैं ऐसे कभी गई नहीं कि मतलब मैं बिल्कुल अलग जगह पे. तो मैं पहला दिन था और मतलब इट वॉज समर कैंप सॉर्ट ऑफ स्टफ, और मैं पूरा दिन जो है इधर खेल रही उधर खेल रही. तो मैं ऐसे थोड़ी सी वीक है, तो मुझे दूर ज्यादा सही नजर नहीं आता. कभी कभी मैं मिस कर जाती हूँ, लोगों को लगता है मैं रूड हो रही हूँ. बट मैंने, अच्छा मैं अपना खेल रही, मैं अपना जो एक्सरसाइजेस हो रही थी मैं वो कर रही थी, मैं इधर उधर बातें कर रही थी सबसे. एंड में मैंने अपने टीचर को बोला, मैंने कहा अच्छा आपका नंबर है. उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ठीक है कि कल हम यहाँ पे मिलेंगे, आपका ये टास्क है, आपने ये स्टोरी लिख के आनी है, ब्रिंग वॉट एवर. आई वाज लाइक ओके ठीक है, सही ये कर लेते हैं. और जिस वक्त मैं फ्री हुई, मैंने नंबर सेव किया, एंड देन आई कॉल माय अब्बा, एंड आई वाज लाइक अब्बू मैं फ्री हो गई हूँ, तो आपने जब मुझे पिक करने आना हो तो मुझे पिक कर लीजिएगा. इज लाइक हाँ बेटा, मैं पीछे बैठा हूँ. आई लाइक ओके आई डोंट बैक, एंड ही वाज सिटिंग देयर. सो आई वाज लाइक ओके सही है. तो
And he was like, how was your day? What did you do? Haan, maine dekha. Achha, haan, wo achha kar rahi thi. Haan, wo ye nahi kar rahi thi. It's not that he doesn't trust me. Yeah, no, I get it. It's that you he was there. You can't trust zamane ko nahi trust kar sakte. That he was there. Haan. He let me do whatever I want to. They let me do whatever I want to. But it's just that case that... Unhoni nahi ye dala ke we're watching. Nahin. So they're like, ke, haan, hum hain. Do whatever you want. Yeah, ye de na. Main to ye kehti hun logon ko ki yaar apni अपने बच्चों को अपनी बेटियों को खासतौर पे दे ये कॉलेजेस में मतलब मुझे आई स्टिल रिमेम्बर मेरे अब्बू के साथ पहली बार यही था कि बेटा लोग बातें करेंगे कि हमारे पास से तो कोई भी नहीं गया लोग ये कहेंगे मैंने कहा नॉट इम्पॉर्टेंट टेल मी व्हाट यू फील नहीं वो व्हाट एवर यू वांट टू डू आई वाज लाइक ओके फेयर एक तरफ मैंने कहा दूसरी बात मैंने कहा अच्छा कहते नहीं फील्ड का ये है ये है ये मैंने कहा ओके मैंने कहा काम करते हैं हम एक यूनिवर्सिटी जाते हैं ठीक है हम उसकी पार्किंग में कैफेटेरिया में उसकी प्रीमिसेस में घूमेंगे और फिर हम एक सेट पे जाएंगे उसके कैफेटेरिया में पार्किंग में घूमेंगे हम देखेंगे कौन सी जगह ज्यादा सही है ठीक है कहाँ कुछ नहीं हो रहा एंड ही इज लाइक ओके सही है ठीक है तो जस्ट दिस हसीना मीन थिंग आई वाज लाइक या जस्ट दिस हसीना मीन जी जी बट देन ही एंड यू नो ही टोल्ड मी दिस ही वाज लाइक देयर इज नो कमिंग बैक ही वाज लाइक यू आर नॉट कमिंग बैक मैंने कहा मैं वो एक कैरेक्टर कर लूँ ना तो आई विल कम बैक तो कहते फॉर एन एक्टर देयर इज नो वो एक कैरेक्टर कहते उसको होता है कि ये करना है वो तो रह गया मैंने वो करना है सो इट्स दैट आई थिंक और वो भूख ही है जो आपको इट कीप्स यू मूविंग दैट हंगर कि अच्छा कुछ अच्छा सो आई थिंक इट्स एक्सपेरिमेंटिंग कि आपके पास जो चीज आती है आप करते हैं आपके हिसाब से आप देखते हैं कि हाँ यार मुझे ये चीजें अच्छी लग रही हैं ठीक है लेट्स डू इट व्हाट अपसेट्स मी On a daily, on a personal level, what upsets you? Abhi aap kehte hain paratha banate ho, so I'm assuming you live in a joint family? Yes. With your, so how does that work? I mean, for a... Oh, it's amazing. I love it. There's no pressure? On no, you I love it. Kaam pe ja rahe I love ho, them. Ya on location no, no, or no, 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 no. I love them. At all. No? MashaAllah. Alhamdulillah. Huh. Yeah. Is it because I like it. I always wanted to be in a joint family. Okay. I feel कि जो बड़े होते हैं वो आपको संभाल के रखते हैं नहीं, नहीं, उसमें आपकी फैमिली संभाल के रखते हैं और है। मैं अगर कुछ ऐसा नहीं कर रही तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए मतलब आई नो माई फ्रेंड्स फ्यू ऑफ देम कि जिनके इन लॉज बहुत अच्छे थे ठीक है ये भी अगेन लड़कियों पे ये वाली चीज थोड़ी सी है कि तो लाइक नहीं 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 मुझे अलग होना है ऐसे क्यों तंग करते हैं नहीं मैंने कहा प्राइवेसी नहीं देते नहीं मैं तो कमरे में रहती हूँ मैंने कहा बच्चे को तंग करते कहते नहीं बच्चे भी संभालते हैं मैंने कहा फिर तुम्हें अलग क्यों है बिकॉज मुझे अलग होना है ओके इस्लाम ने आपको राइट दिया है ठीक है आप अलग हो सकते हैं इस्लाम का पहला राइट यही है कि आप अलग हो अपना घर हो आपका विच इज फाइन आई अप्रिशिएट दैट लेकिन अगर सब अच्छा है तो कोई बात नहीं मतलब यू नो कि उसको अगर उसकी फैमिली उसके साथ है अगर आपके साथ बड़े हैं जो कि आपको लेकर चल रहे हैं हमें मतलब बहुत सारी चीजों का हमें नहीं पता होता मतलब हमें वाकई नहीं पता होता बाबा चीजें मैनेज कर लेते हैं या अम्मा कर लेती हैं तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह तो अगर अगर ससुराल में घर में बहुत कोई बड़ा कोई इम्पोर्टेंट दावत हो हाइपोथेटिकल नंद है उसका रिश्ता आना है लड़के वालों ने आना I don't even know कि नंद है कि नहीं I'm just hypothetical. I have two nuns and they're married and they have kids. ठीक है hypothetical नंद है जिसका रिश्ता आना है और बहुत बड़ा इवेंट है शाम को और यू नो बहू भी हो घर पे और बेटा भी हो और सब कुछ हो और बहू का ऐसा शूट है जिसको वो कह नहीं सकती कि I can't cancel I have to go out I'll do both how I will do it no how you have to physically be in Islamabad the rishta is in Karachi yeah so I'll manage it I'll everything's manageable if they want it if they want me they'll manage it Oh, if they want it, they'll manage it, or if you want it, you'll manage it. Both. Both. हाँ. मतलब कि, see for instance, if there's this shoot, वो शाम में होना है, ठीक है? तो मैं उनको कहूँगी कि okay, आप एक काम करो, वो शाम की जगह आप सुबह कर लो, ठीक है? मैं सुबह करूँगी और शाम में ही आ जाऊँगी. हमें sunset चाहिए. वो sunrise पे भी वो sunset shoot कर सकते हैं. See, so one, secondly, I'll start my day early. मैं सुबह से शुरू कर लूंगी मैं कहूंगी ठीक है अगर आपको ज्यादा यू वांट 10-12 आवर्स में भी तो रात से शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट डूइंग इट एंड देन वी कैन जस्ट डू इट उसी बाद में वहां से निकलूंगी एंड आई कैन बी हियर व्हिच विल मेक इट हैपन यस विल मेक इट हैपन यस इंशाल्लाह इंशाल्लाह सो गुड गुड पॉजिटिव एनर्जी एक एक्टर को ब्रांड होना कितना जरूरी है हाउ इंपॉर्टेंट इज इट फॉर एन एक्टर टुडे आजकल की दुनिया में पुराने मैं अभी नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू सुन रही थी और वो इतना रिलैक्सिंग था उन्होंने कहा अब तो इतना प्रेशर है
कि यू नो इतने फॉलोअर्स हो, ब्यूटिक हो, ये हो, शहनशाह हो और एक्टर वो अंदर आए तो लोग उठ के खड़े हो और कहें कि ओ माय गॉड बामुलाजा होशियार एक्टर स्टार आ गया है. आई थिंक फॉलोइंग भी हो, ब्रांड्स भी हो, हर चीज कितना मतलब है, कि है, है, है. मतलब मतलब इवन फॉर मी अभी तक मैं काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ, मैं कुछ और नहीं कर रही. हाँ ठीक है, मेरी अगर सोशल मीडिया है भी तो वो बहुत अप क्लोज विद माय फैंस है कि अच्छा हाँ ठीक है साथ में है, हाँ जितना मैं करती हूँ ठीक है. बहुत बाय द वे है कि हाँ आज मैं कुछ लगा देती हूँ, हाँ ठीक है सही कि है, हाँ मतलब सही, कभी मैंने दिल किया, मैंने लाइफ चली गई है, आई एम कमिंग टू देम वन टू वन, इजी हो गया, अच्छा सा. बट ये प्रेशर नहीं है कि नहीं ये पोस्ट करना है, कि हफ्ते में एक पोस्ट तो लगेगी या मतलब यू नो महीने में ये तो होगा, ये नहीं है कि फोटोशूट तो करना जरूरी है. बट क्योंकि अब वो वाला टाइम है कि अब तो आपको ही करना है, वरना आपका आर्ट एंड क्राफ्ट एक साइड पे और आप कहीं भी नहीं है, एंड यू आर नो वन, यू लाइक कि हाँ काम ही करती है ना, छोड़ो शी इज नॉट अ ब्रांड. वो जो कोई काम नहीं कर रही वो टिकटॉक पे बहुत है ना, उसको ले लो. सो इट्स अ थिंग. हम जैसे कल ऐसे हम गाने सुन रहे थे और उसमें बड़े गुलाम अली की एक ठुमरी आ गई, हम सुन रहे हैं लाइक क्या गा रहे हैं. हमने कहा कि अगर ये आज के जमाने में होते जिनको कहते कि गुलाम अली बड़े गुलाम अली आप तो छोड़े हैं पा रहे हैं आप वो जो वो लौंडा है ना उसको लेकर आओ, उस लड़के के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, चाहे किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो उसको लेकर आओ आप. सर आई एम सो सॉरी बट आपकी कनेक्टिविटी नहीं है लोगों के साथ, लोग आपसे कनेक्ट नहीं करते, सॉरी यू डोंट हैव फॉलोअर्स, सो इट्स नॉट अबाउट इट एनीमोर, इट्स लाइक यू हैव टू बी ऑल राउंडर. हां बट यस आई थिंक कि आप टैलेंट जो है इग्नोर नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट व्हाटएवर यू डू, यू क्रिटिसाइज इट, यू इट्स लाइक लव मी और हेट मी व्हाटएवर आई विल बी देयर, इफ इट्स हेट इफ इट्स लव है, मेरा टैलेंट है नजर आएगा. आप उसको फेंक दो, आप उसको नहीं देखो, आप किसी और को ले आओ, कुछ भी कर लो, दबा नहीं सकते टैलेंट को, नहीं दबा सकते. आई एम टैलेंटेड, अल्लाह ताला है, आई नो हु आई एम, आई नो मेरे बैक पे कौन है. और आई रिमेम्बर देयर वाज दिस प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे ऐसे शुरू में कि उन्होंने ऐसे मुझे दिया जब आई वाज डूइंग नथिंग, एक उन्होंने ऐसे मुझे कॉन्ट्रैक्ट थ्रो किया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर दो सोप हैं और तीन सीरियल हैं एंड दीज आर फाइव ड्रामाज और दो साल का कॉन्ट्रैक्ट है, साइन कर लो. तो मेरा कहीं से कुछ ट्रिगर हो जाता है, वो पॉजिटिविटी सारी चली जाती है फिर से. तो मैंने उनको तो मैंने मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है फेयर इनफ. मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा सर आई डोंट वांट इट, प्रोड्यूसर वाज लाइक नो नस के भाई नहीं मिलना नहीं देखना दैट प्रोड्यूसर के नहीं. तो मैंने कहा कि अच्छा अभी तक तो मैं डरी हुई ही थी तो, और मैं अभी ऑन स्क्रीन नहीं हूँ कहीं नहीं हूँ. तो मैंने कहा मैं ये तो नहीं कर सकती. कहते हैं कि क्या मतलब, एंड ही लुक्ड एट मी लाइक दिस कि व्हाट इज शी सेइंग, शी इज शी आउट ऑफ हर माइंड. एंड आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता मेरी कल शादी हो जाए, मैं अभी चली जाऊँ, मुझे तो बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है, एंड आई विल सी कि इफ आई कैन डू इट और नॉट. हां ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है. ठीक है, मैंने कहा आई कैन नॉट डू दिस, और प्लस आई डोंट वांट टू वर्क इन क्वांटिटी, आई वांट टू वर्क इन क्वालिटी. सो आई वांट कि मेरे जो आगे बच्चे के बच्चे आएंगे वो कहेंगे ये देखो ये हमारी दादी है. सो यू नो इट्स लाइक दैट कि अगर मैं थोड़े से रिप्लेस करूं, लेकिन वो ऐसे हूँ कि वो ये प्ले करके गई थी. उस प्ले से वो जाने जाते हैं कि अच्छा वो प्ले उनका है, बी इट शहनाज़ शेख, बी इट रूही बानो, लाइक देम. ठीक है, तो ऐसे ऐसा कुछ तो हमारे थोड़ी बहुत बात होती रही बड़े आराम से. और एंड ये था कि वो खड़े हुए, उन्होंने सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा बेटा आपको जब जो पसंद है आप वो कीजिएगा. एंड देन इट वाज लाइक दैट बिकॉज़ यू डिड दैट ऑल रिस्पेक्टफुली एंड यू स्टूड बाय योर ग्राउंड. सो लाइक यू सेड, यू आस्क्ड कि भाई आपकी लड़कियां किस तरीके से रह सकती हैं, सो यू क्रिएट योर ओन इमेज. मेरी इमेज मेरे जाने से पहले वहां पे ट्रैवल करती है हर किसी की. मतलब जब हमारी न्यूज आउट हुई थी कि हम शादी कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में एवरीवन वाज लाइक कि बहुत अच्छी है. एंड पीपल केम अप टू मी एंड दे सेड कि आरएस बहुत अच्छा है. हम कहीं भी कुछ भी कर रहे होते क्योंकि सब देख रहे हैं. वो आपको जो स्पॉट पे लड़का है वो भी देख रहा है, वो देख रहा है पीछे बाहर नहीं पता, स्पॉट वाले लड़के को पता है कि आप क्या करते हैं मेकअप रूम में. तो उन सब ने बहुत तारीफ की एंड दे वर लाइक कि ओ ये बहुत अच्छे हैं एंड यू टू आर माशाल्लाह टू गुड. और उन्होंने बहुत दुआएं दी एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग. So it's the duas that keeps Alhamdulillah. I think it's good karma. It comes back. It's good come back. And it's not that there is any doubt that you have aura, happiness, Alhamdulillah. Achha, Allah, you always keep it like this. And keep it so much. Because contentment is difficult to achieve in this day and age. But coming back full circle, which person is driving this chair, बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही कंटेंट होगा जो इन सड़कों पे ड्राइव कर रहा है. मैंने तो छोड़ दिया बिकॉज मुझे लगा था मैं हर खड्डे में जाके मेरी गाड़ी बजेगी.
इतनी खुदी भी सड़कें हैं ऑल दैट. सड़कें नहीं है ना. सड़कें ही नहीं है भाई. हाँ सड़कें नहीं है. इट्स स्केरी. वेरी स्केरी. अच्छा एबा एंड लास्ट नोट ऑफ मेहला, हमने हर सीरियस टॉपिक भी टच कर लिया और बड़ा अच्छा लगा. आई रियली लव टॉकिंग टू यू. आई वांट टू आस्क यू सम शशके वाले सवाल जो कि लोग भी सुनना चाहेंगे बिकॉज यू वर्क विद सम लीडिंग एक्टर्स. आजकल खासतौर पर कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी बहुत मकबूलियत है. तो आई वॉन्ट यू टू टेल मी समथिंग डिफरेंट दैट नोबडी नोज अबाउट दैट को एक्टर. आप काम करते हुए कोई एक्सपीरियंस. हाँ फितूर वहाज अली. वहाज अली की तो आज ये दिस इज लाइक कॉलिंग इट द ईयर ऑफ वहाज. Bahaj, okay, Bahaj is extremely passionate about his work. मतलब मैं सीन देखती हूँ and I'm like हाँ ठीक है सही है हाँ सही है okay हाँ सही करते हैं ठीक है and I don't know मैं क्या करूँगी. कैमरा ऑन होगा मैं करूँगी, डायरेक्टर को समझ आएगा वो कर लूँगी. थोड़ी देर बाद मैं पढ़ूँगी and Bahaj is like अच्छा सुनो मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा ये करें and I'm like okay cute सही है करते हैं. So you like that. हाँ. आपको अच्छा लगता है क्योंकि अभी आप किसी से आजकल वो वाला टाइम है कि आप अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो आप खुद जाके बात नहीं करेंगे. प्लस इन एक्टर्स यू डोंट टेल देम कि आओ मेरे साथ लाइंस कर लो व्हिच इज फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीडिंग्स नहीं होती ना आजकल तो बिल्कुल भी नहीं होती. फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे रीडिंग्स चाहिए. मुझे चाहिए तो मेरे साथ रिहर्स करो. तो वो करते थे. इवन फैसल कुरैशी लाइंस करते थे बट मतलब वहाज क्योंकि वो यंग हैं वो एक अलग सा होता था. तो वो ही यूज टू ट्राई दैट. बहुत अच्छा था कि वो हमारी इवन अभी भी कुछ होता है कि कहते हैं कि अच्छा यू नो दिस इज देयर एंड आई एम लाइक अच्छा हाँ. तो कहते हैं ओके आई कैन बी योर मैनेजर. आई एम लाइक अच्छा हाँ सही ठीक है मैं मैनेजर एंड जस्ट आस्क हिम व्हाटएवर इट इज. सो ही इज वेरी स्वीट वेरी डाउन टू अर्थ एंड आई थिंक या दैट्स व्हाट शोज. It shows, बिल्कुल. और वही कार्मा है उनको. yes, yes, अल्लाह exactly. ने उसका अजर भी दिया है सारा. सही है. जिब्रान के साथ आपने एक एक वक्त पे एक हाँ. आपके वो लाला थे बड़े भाई और एक तरफ वो आपके हस्बैंड थे एस्ट्रेंज्ड. तो उनके साथ काम करना कैसा था. मैंने उनके साथ अपना पहला लीड प्रोजेक्ट किया था विच वाज भोलीवाल एंड ही वाज प्लेइंग ताजदार इन इट. At that time, he was there, like that lead वाला बंदा क्योंकि बाकी सारे तो नए लोग थे लेकिन he was the one जिसकी वजह से भोली बानो was like okay इसमें सैयद जिब्रान है ठीक है. So I was like अच्छा लेकिन he is such a nice person. मतलब कि usually actors even actresses अगर उनकी कोई मेकअप ट्रिक होती है मेकअप का कोई इवन लिपस्टिक का शेड नहीं बताती दूसरी एक्ट्रेसेस के मतलब ये मेरा वाला ना लगा ले वो ट्रिक्स बताते थे टेक्निक्स बताते थे उस टाइम पे कि यू नहीं यूं कर लो यूं कर ले लड़की यूं कर ले. तो इवन शादी से पहले शी इज लाइक मकवा. आई एम लाइक हाँ कहते मकवा. मैंने कहा क्या. कहते मत कर. मैंने कहा क्या मत कर. कहते शादी मत कर. मैंने यार जाए यार क्या कह रहे वो मतलब वो शुरू एंड ही वाज प्रेजिंग मी कंटिन्यूअसली इवन जैसे हम मेरे हमनशीन कर रहे थे. तो क्योंकि हम और हमें बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं लगा था उनके साथ बड़ा बहुत इट्स सो एफर्टलेस विद हिम. मतलब वो बहुत क्योंकि हम पहचान पे आते थे तो आई रिमेम्बर उधर पहचान उधर ना हमारे हमनशीन पे मुझे बोले कुकी. मैंने कहा डोंट यू डेयर कॉल मी कुकी हट जा. मैंने कहा लाला बाकी सबको कहती थी कि अच्छा ये एक्सेंट ऐसे होगा कि ताकि सबका एक जैसा हो लेकिन सबका अलग अलग था अगेन. तो विच वॉज फाइन. तो एवरी वन स्पेशली हिम ही प्रेजेस अ लॉट. आई थिंक दैट्स अ ह्यूज 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 क्वालिटी इन अ पर्सन कि जिसके अंदर वो आपको प्रेज कर सकता है वो आपकी तारीफ कर सकता है वो आपको कह सकता है कि आपने अच्छा किया. क्योंकि इन दिस स्पेसिफिक टाइम आई थिंक कि नहीं होता ऐसा. नहीं होता इस तरह में आप नहीं बात करते इस बारे में कि कोई अच्छा कर रहा है. यू जस्ट बी लाइक इट्स नाइस. हां नहीं आप उनको टाइम ही नहीं देते. तो वो आपको ही वाज सच अ सपोर्ट. और मतलब हम वहां से पहचान पे निकलते थे एंड वी यूज्ड टू स्विच लाइक दिस. इट वाज ये है कि मेरे हमनशीन में जब वो पार्ट आया ना शादी का मैंने कहा यार अगर इसकी शादी की ना तो इनके साथ तो मैंने ड्रामा देखा छोड़ दिया. तो हमारा हमारा बहुत क्लियर था. वी न्यू व्हाट वी आर डूइंग and we kept it a little thoda wo ke edge pe thode sa ki aapke agle episode mein pata chalega ki nahi. aur wo bahut acha tha ki tab tak aur humne usko ek open ending rakha tha bilkul ki acha se wo wapas aa gaye. great have you worked with senior actors like faisal qureshi say jibran fir aapke hum umar bahaj almost you know and then now with zaviar yes you know who's a lot younger. yeah yes or no not very younger. I don't know okay yeah he's very new but like, he's new. Haan. Yeah I don't know how young he is but I know main to soch rahi new hai to young hoga phir ha. yeah, I don't know. So yeah what's the question. My question is how's that experience.
It's different. Different. It's different that now I am that senior one. हाँ वो that's why I'm asking उसी angle से पूछ रही हूँ. That you know you have to and I'm not that senior. हाँ you're but not. But I'm not that senior but I'm senior. हाँ. So you know it's a huge responsibility and it's like कि हाँ ठीक है. But the good part is that he takes part and he wants to do it and plus उनके अब्बा खुद एक बहुत अच्छे actor हैं बहुत बड़े actor हैं. तो वो चीज आती है वो चीज वो साथ में आती है कि मतलब you know he maybe उनका वो upbringing ही set पे हुई है and people know him and he's very comfortable on set. He's very fine with even senior actors so he's so comfortable that मैं थोड़ा सा पीछे होती हूँ कि अच्छा ये सीनियर एक्टर है सामने कम कैसे आप सही आप इस तरीके से करके जाते हैं लाइक हे कैसे आप कैसे हैं कैसे क्या क्या हो रहा है क्या हो रहा है तो उनका अपनी एनर्जी होती है कंफर्टेबल है बिकॉज़ वो ही ग्रोन अप इन द इंडस्ट्री एब्सोल्युटली तो मुझे इतना वो नहीं होता बट आई थिंक आई वर्क ऐसे करके कि आप अपना काम करो सब कर रहे हैं निकल जाओ एंड फाइनली झोंक सरकार जो कि अगर ट्यूसडे को आ रही है पहली एपिसोड तो शायद आज ही हमारा इंटरव्यू भी आगे पीछे होंगे ये आई प्रॉमिस यू आगे पीछे होगा सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बहुत मैं और हसन दोनों बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेके बिकॉज आउटडोर शूट है एनर्जी है नई कास्टिंग है नई पेयरिंग है राइटर है डायरेक्टर है सब कुछ ही बहुत ही जबरदस्त लग रहा है give me what to expect with your chemistry with Farhan क्या है वो तो देख के पता चलेगा वो फिर मैं देखूंगी क्या स्टोरी ऑफ पैशन है क्या नहीं अच्छा ये एक्चुअल स्टोरी जो है इट्स बिटवीन पुलिस द कॉप्स और cops and robbers basically it's about that say girls are playing part in it crossfire mein caught haseenas exactly isme see this is something that I'm playing for the first time usually jo maine characters you carry the story yes yeah, I carry the story it's about me it's about you know I'm driving it everywhere absolutely तो अगेन लाइक आई सेड आई वांटेड टू डू एक्सपेरिमेंट व्हाई नॉट कि मतलब हाँ सही है बाकी सब हो रहा है और मतलब क्यों नहीं कि मतलब हाँ आई एम बीइंग देयर मैं हूँ साइन जी टाइप्स व्हाई नॉट सो या इट्स फन इट्स डिफरेंट इट्स फन So we were looking forward to it. I'm looking forward to it too. And it was lovely talking to you. I wanted to do Noori pehle, but when I read the script, because shuru mein Noori ka character is like Maham is playing it, so I was very excited. I was like, I want to play Noori. I want to play Noori. Then I read it. I was like, I want to play Sassi. Noori to zoom abhi pahuncha hi nahi hai. हाँ मैंने ट्रेलर्स में भी कोई ऐसा नहीं दिखाया वैसे नहीं नूरी का दूसरा वाला दिखाया था कि ये पहन लो नूरी की हाँ बिल्कुल 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 निकल गया वो तो बिल्कुल मैं तो सस्ती पे यार यू नो अच्छा है ये अच्छा थैंक यू ये अच्छा है नहीं नहीं तो या तो वो मतलब लेकिन मैंने कहा आई वांट टू डू सस्ती हाँ आई वांट टू सस्ती Well, good luck. Inshallah. And I hope it does really, really well. Inshallah. And I hope you get really great projects aage bhi. And I hope that you continue being a role model for actors and for women all over. Because aapka itna positive vibe hai, itni responsible aapki messaging hai, jo aapki personality ke saath lagi bhi. Aisa nahi ki you're, it's all natural. Yeah, yeah. It's all natural, right? Like aap drive karti na is shehar mein. Inshallah. Isi shehar mein, I want to drive all over the world. मेरा मतलब है इस शहर में जो कर ले वो दुनिया में कहाँ कहीं कर सकता है मैं तो ये कहूंगी आजकल कराची में कर ले ड्राइव वो दुनिया में कहीं भी कर सकता है मतलब यू टर्न लो और ऐसे लगता है कि आगे रोड नहीं है खाई आगे ऐसे और खौफनाक खाई जिसके अंदर से वो नीचे निकले मैं कहती हूं आजकल पाकिस्तान में जिंदगी भी ऐसी है यू टर्न लो और आगे खाई है इट्स सॉर्ट ऑफ जोक सरकार इन पाकिस्तान वी आर कॉट इन द क्रॉस फायर ऐसा ही है थैंक यू सो मच लवली लाइकवाइज थैंक यू सो मच